बहुत ही भयानक है यार। ये देख रहे हो, इधर का रस देखो यार, मतलब चेक करो कितना भयानक भीड़ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बात है भाई, नजारा देख रहे हो सुबह का भाई, सूरज भगवान प्लस काफी मस्त वाला कॉम्बिनेशन वाला मस्त वाला नजारा आ रहा अभी। ऊपर के साइड इतना अच्छा लाइटनिंग है ना, अपन लोग सवेरे आ जाते ना और पहले, तो उस टाइम इतना अच्छा वाला फीलिंग्स नहीं आता जितना अच्छा अभी वाला फीलिंग्स आ रहा है। सो फाइनली गाइस, अभी अपन लोग पेट्रोल पंप पे आए क्योंकि कार में पेट्रोल नहीं था। 2 बजने को 2 बज चुका, 200 ऊपर हो चुका है मेरे ख्याल से, और अभी मानो तो 150 किलोमीटर चली है कार। 150 नहीं बोल सकते, 120 या फिर 130 किलोमीटर, अगर 130 चला है ना तो 120 किलोमीटर और बच रहा है अभी चलने। सो जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, अभी अपन लोग घर से निकल चुके हैं, टाइम हो रहा 11:45, लाइक 11:45 हो चुका है, और अभी अपन लोग हरिद्वार की तरफ निकले हैं। लाइक अभी अपन लोग कार के पास आए हैं, ये देखो ये अपना 4-व्हीलर है, इसमें अपन लोग कुछ लगेज डालते हैं, उसके बाद अपन लोग कार में बैठते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं गाइज। सो देख सकते हो अभी अपन लोग सामान डाले हैं डिक्की में और अभी यहाँ पे डाल रहे हैं सामान। सो ये अपना 4-व्हीलर है और देख सकते हो 21,365 किलोमीटर चला है टोटल अभी चला है। अभी नाइट का टाइम है, मेट्रो भी है जो भी गई है ना, ये आ रही है ना, ये लास्ट मेट्रो होगी क्योंकि 11 बजे बंद होता है, 11:30 के आसपास, तो अभी तो ज़्यादा टाइम हो रहा है। लास्ट मेट्रो जाएगी राजीव चौक में, बंद हो जाएगी फिर। सो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे के साइड जाते हैं, फिर सौम्या आएगी, सौम्या बैठेगी, फिर अपन लोग डायरेक्ट निकलेंगे हरिद्वार की तरफ। तो आपसे मिलते हैं डायरेक्ट रास्ते में गाइज, तो वीडियो में बने रहना, बस यही बोलेंगे। अपन लोग शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं और ये स्लीवलेस, तो चलते हैं गाइज। और प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहे हो ना, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस जर्नी में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर ये अपना की भी है, ये देखो 2 गेट ओपन है और एक पीछे का डिक्की ओपन है। सीन काफी अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है काफी मस्त लग रहा है। 2 गेट प्लस 4 गेट खुलेगा ना, डिक्की खुलेगा ना, तो और भी अच्छा लगता है। प्लस देखो सौम्या का एंट्री, सौम्या का ना, अरे कैमरा छोड़ देना यार। सो मैं ना सौम्या को ना भाई मतलब यहाँ रोड पे बुला दिया। ये वाली गेट देखना दीपादी, ये वाला गेट देखना, ये साइड खुला हुआ होगा शायद थोड़ा सा। तो मैं ना सौम्या को डायरेक्ट मेन रोड पे ला दिया, तो अभी यहाँ से अपन लोग निकलते हैं मस्त वाला अक्षरधाम से, सामने के साइड आईफोन का नजारा लेते हुए। सो गाइस ये देखो लोकेशन, ये किधर का है बता सकते हो? अब भी अपन लोग ना कॉमनवेल्थ की तरफ से ना यू टर्न लेंगे क्योंकि अपने को थोड़ा सा, मैंने जिधर लेफ्ट साइड लेना था ना टर्निंग, उधर अपन लोग लेफ्ट नहीं लिए, आगे आए, उसके कारण 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा अपने को चलना पड़ रहा है। तो यहाँ से नहीं, इसके आगे वाले से अपने को यू टर्न लेनी है, वो सेकंड गियर 17 का स्पीड, और ये अपना स्टार्ट हो गया गाना। देख रहे हो यहाँ से ना अपन लोग लेफ्ट राइट लेंगे, और राइट से ये जो लेफ्ट की ओर कटती है ना, ये अपना कॉमनवेल्थ के तरफ चला जाता है। अंदर जाओगे ना तो कॉमनवेल्थ चले जाओगे कॉम्प्लेक्स, और ये अपने को एकदम सामने जाना है, बस एकदम सामने जाते जाओ जाते जाओ, हरिद्वार वाली रूट में, लाइक मेरठ वाली रूट में, उधर से ही हरिद्वार जाते हैं। ये देख रहे हो नाइट का नजारा, क्या ही प्यारा वाला लुक लग रहा है ना नाइट का टाइम में। थोड़ा सा ग्लास गंदा है क्या आगे का, ऐसा लग रहा है ग्लास गंदा है, बट अभी तो सही होना चाहिए। अब देखो अब सही है, अब नजारा देखो क्या ही मस्त वाला लग रहा है ना देखने से। रोड इतना चौड़ा सा, लाइट वाइट लगा हुआ है, और फिर अपन लोग मस्त वाला जा रहे हैं। सो देख रहे हो गाना अपन लोग सुनते हुए मजे करते हुए सारे लोग जा रहे हैं, और आगे अपन लोग ड्राइव भी करते जा रहे हैं। सो भाई ये देखो अभी इधर का थोड़ा बहुत जाम टाइप का लग रहा है, अगर जो उधर से लेफ्ट साइड ले लेते ना तो कोई जाम वाम में नहीं फंसते, बट इधर से ही देखो जाम लगना स्टार्ट हो गया। इसी से पता चलता है ना कितना ज्यादा भीड़ होगा, बहुत सारे लोग भी थे ना उधर खड़े, सारे लोग बस से जाने वाले बहुत सारे थे, प्लस 4-व्हीलर तो भाई पूछो ही मत, सारा भाई हरिद्वार जा रहा है गंगा स्नान करने के लिए। Along the way, melodies we haven't
सो फाइनली भाई अभी अपना दिल्ली से हरिद्वार का पहला टोल टैक्स, सामने एक साइड देख रहे हो ये वाली टोल टैक्स है, पहला टोल टैक्स। तो अभी पहला टोल टैक्स में हमारा स्वागत है और आपका भी स्वागत है, जो भी वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आगे देखने के लिए रेडी हैं उनके लिए। सो भाई अभी देखते हैं कितना इस पे कटता है ये टोल टैक्स पे, और फिर सारे लोग ना इधर रुक के वीडियोज फोटोज प्लस जो भी खाना पीना जो भी होता है ना वो सारे लोग खा पी रहे हैं। आप लोग देख के बता सकते हो और कितना सारा भीड़ है अभी इधर, कुछ लोग इतने सारे लोग रुके हुए प्लस कितना सारा आगे भाई टोल टैक्स देख रहे हो, पूरा का पूरा भरा पड़ा है भाई। ये देख लो भाई कितना लोग तो हरिद्वार पहुंच भी गए होंगे, प्लस अभी तो हम लोग जा ही रहे, बहुत ही भयानक वाला जाम है यार, देख रहे हो बहुत ही गजब खतरनाक वाला भीड़ है भाई। मैं तो सोचा था मतलब ऐसे ही होगा, अभी तो यार भीड़ तो बहुत ही भयानक वाला लग रहा है, अपन लोग जितना उम्मीद नहीं किए थे ना उससे ज्यादा भीड़ है, और सारे लोग हरिद्वार जा रहे हैं, कोई हरिद्वार ऋषिकेश ऐसे करके सारे लोग जा रहे हैं, और सागर बस कचम कच भीड़ है। ये देखो सारे लोग इतने कपड़े लेके जा रहे हैं, सो काफी ज्यादा भीड़ है गाइस, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गंदा वाला रस है, और अपन लोग मस्त वाला बस कार ड्राइव करके मजे से जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ का मजा तो मजा ऐसे भी तब आता है ना जब ज्यादा भीड़ हो, प्लस हरिद्वार में तो बहुत ज्यादा भीड़ होगा तो मजा ही मजा है, भीड़ में काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि भाई मतलब अकेला अकेला जाओगे ना, भीड़ नहीं रहेगा ना तो उतना मजा नहीं आता जितना रस में मजा आता है। तो अभी देखो ये क्या सीन हो रहा है, देखो भाई मैं बात करते करते ना आगे के साइड चला गया, कितना आगे ये व्हीकल चला गया, अपन लोग पीछे ही रह गए थे वीडियो के चक्कर में, प्लस भाई मतलब कितना लेने टोटल 12 लेने, देख रहे हो टोटल 11 में इतना भीड़ है तो मतलब सोचो यार कितना कितना होगा। ये देखो फटाक फटाक से खुल रहा है भाई, अपना भी अब खुलेगा देखना, अभी आया ये देखो ये हुआ, अब ये खुलेगा, ये देखा भाई कितना एक्टिव है ना, देखो मतलब कितना एक्टिव है, मस्त वाला तुरंत से खुल गया, एंड थैंक यू भी लिख रहा है, साला पैसा भी काट लिया इतना और थैंक यू भी लिख दिया। और इधर देखो भाई नजारा तो काफी मस्त वाला लग रहा है इधर का टोल टैक्स का। जाम जाम बोलते बोलते ना ये देखो जाम में फंस भी गए अपन लोग, 10-15 का स्पीड से यहाँ से निकल रहा, 8-10 का स्पीड से, प्लस इधर खाने पीने वाला सामान ढाबा ये सब है, और अभी थोड़ा सा जाम खुली है क्योंकि फ्लाईओवर ऊपर के साइड है ना, और अपन लोग सारे लोग नीचे से आए इधर के साइड से, तो जाम तो मिलेगी ही बस। और अब इसका छोटा है, ओहो भाई बुला रहा होटल में, चलो भाई खाने के लिए होटल में, भाई ऐसा ऐसा सिंबल लगाता है ना कि खाने का मन करता है खाना अपन लोग को सिंबल। सो भाई देखो यार मतलब जाम के कारण देख रहे हो किधर से अपन लोग जा रहे हैं, कितना खराब रोड में घुस रहे हैं, दोनों साइड बस और ट्रक एकदम घेरा पड़ा है रोड को, और अपन लोग ऐसे ही जा रहे हैं, देखो हाथ दे के पास कर रहा है भाई ट्रक वाला, धूल वाला फॉग देखो यार, पिछला बार आए थे ना तो फॉग के कारण, रियल वाला जो ठंड के कारण फॉग थी ना उसके कारण अपन लोग स्पीड निकल रहे थे, और ये भाई धूल वाली फॉग है इसके कारण अपन लोग स्लो जा रहे हैं। सोचो मतलब इससे क्या पता चलता है भाई कि ठंड वाला फॉग होती है ना उसमें रोड साफ रहता है, और धूल वाला में रोड बहुत ही बिजी रहता है, मतलब रोड भी चलता है क्या, बिजी होने का मतलब ये हुआ ना। और इधर देखो ढाबा खाने पीने वाला साइड साइड में,
प्लस साइड साइड से गाड़ी भी निकलती हुई भाई, मतलब भीड़ देख रहे हो यार, भीड़ देखो भाई, मतलब बहुत भयानक वाला भीड़ है यार। बस हरे बाबा, ये कितना सारा बस भाई, सारे हरिद्वार ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश भाई, मतलब कल का ना जो होने वाला है ना, कल के आज ना भाई 1:13 हो चुका है, तो आज ही बोल सकते ना भाई, इतना भयानक वाला भीड़ है ना कि पूछो ही मत, बहुत ही तगड़ा वाला भीड़ होगी, बहुत ही तगड़ा वाला भाई। तुम्हारे ऊपर प्रेशर है 4 बजे पहुंचाने, एकदम 4 बजे तक अपने को पहुंचना है, कैसे भी ढाई मतलब समझ सकते हो कितना किलोमीटर भी बचा होगा, मे बी अप्रोक्स अराउंड पता नहीं 150 किलोमीटर और बचा है ना, तो अभी 150 किलोमीटर और बचा और अपने को 3-4 बजे तक अपने को जाना है, पहुंचना है। प्लस इतना ज्यादा जाम मिल रहा है ना, हर मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाम मिल रहा है, प्लस आगे एक और टोल टैक्स भी आने वाला है। फाइनली भाई एक बार फिर से अपन लोग आ चुके हैं टोल टैक्स के पास, ये अपना सेकेंड टोल टैक्स है, और फिर ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 7 या फिर 8 होगा यहाँ पे टोटल, मतलब ब्लॉक होगा 7 या 8, इसीलिए देखो यार कितना भयानक वाला लंबा लाइन है। टोल टैक्स से 100-150 मीटर पहले से इतना लंबा लाइन है, 200 मीटर के आसपास, और भाई मतलब बहुत ही तगड़ा वाला जाम है यार। टोटल 6 लेने टोटल 6 लेने टोल टैक्स का, और इतना लंबा जाम है उसी के कारण। वहां पे तो 12 लेन था, फिर भी उतना गंदा वाला जाम था, और यहाँ तो पूछो ही मत, और अभी बहुत ही गंदा गंदा जाम से अपन लोग निकल के आए। बस होप कि यहाँ से अच्छा से निकल जाए जल्दी में, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा भीड़ है यार आज, बहुत ही गंदा वाला भीड़ है, देख रहे हो। ये भाई अपन लोग इधर आ गए हैं, बस जल्दी से टोल टैक्स क्रॉस कर जाए, क्योंकि पहले क्रॉस करेंगे तो अपन लोग पहले पहुंचेंगे। अब भाई वक्त ही बताता है कितना वक्त में अपन लोग पहुंच। सो भाई देखो यार अपोजिट लेने वाले में घुसा के, मतलब गजब का यार, मतलब ऐसा कैसे कर दिया यार। इधर का देखो, इधर का भी जाम लग गया उसी के कारण, बट थोड़ा बहुत जाम है, लेकिन हमारी तरफ का ना बहुत ही गंदा वाला जाम था, इसीलिए ऐसा हाल हो गया। बहुत तेजी में लग, ये बस वाला ना यार बहुत घटिया इंसान है भाई, मतलब जैसे तैसे घुसा रहा है, कहीं भी हाथ दे रहा और निकाल दे रहा है। ऐसा ऐसा बस वाला मिल जाए ना तो भाई पक्का हादसा करवा देगा ये लोग किसी का। सो फाइनली गाइस अभी अपन लोग पेट्रोल पंप पे आए, क्योंकि कार में पेट्रोल नहीं था। 2 बजने को है, 2 बज चुका है, 200 ऊपर हो चुका है मेरे से ख्याल से, अब भरा रहे हैं। और अभी मानो तो 150 किलोमीटर चली है कार, 150 नहीं बोल सकते, 120 या फिर 130 किलोमीटर, अगर 130 चला है ना तो 120 किलोमीटर और बच रहा है अभी चलने को। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना अपना पेट्रोल भरा रहा, देख लो कितना का भरा रहा है, 1191 रुपया हुआ, अभी और जा रहा है, टंकी फुल करना, हालांकि पेट्रोल है अभी नई भी तो 1000 रुपया का पेट्रोल है, 1199 रुपया, मतलब 1200 का पेट्रोल भरा है, 94 का है, बट बिहार में तो गाइस मतलब 107-108 रुपया का पेट्रोल दे रहा है, तो इधर सस्ता है ना तो काफी अच्छा है। प्लस सोमिया पीछे के साइड है, और अभी अपन लोग जा ही रहे हैं। इधर का पेट्रोल पंप का लोकेशन देखो ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले कार आगे बढ़ा लेता हूँ। सो अभी देख लो अब कितना हो गया, फुल हो गया, 550 किलोमीटर चलेगा, और फिर ये देखो 2:28 हुआ, मतलब 2:30 बज चुका है, 2:30 बज चुका है, अभी तक अपन लोग पहुंचे भी नहीं, अभी यहाँ से 120 किलोमीटर के और आसपास बच रहा है। ये इंडियन ऑयल अपन लोग यूज करते हैं हमेशा, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ इंडियन ऑयल ही, क्योंकि मैं हरिद्वार कुंभ सिटी, तो भाई 5 बज चुका है और अभी तक अपन लोग नहीं पहुंचे, इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, तो लोग बता ही नहीं सकते। सवेरा हो चुका है, देख सकते हो 4:54 भी हो चुका है, तो अभी देखो अभी और कितना टाइम लगता है, बट पहुंचने वाले 7-8 किलोमीटर और होगा मे बी, तो चलो अब डायरेक्ट ना पहुंच के आपसे मिलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. अभी लाइक 7:45 हो चुका, 6:45 हो चुका, इतना भयानक जाम ना, इतना भयानक जाम आज तक मैंने अपनी लाइफ में ना इतना भयानक जाम में कभी नहीं अटके थे, कि मतलब सिर्फ 100-200 मीटर चलने में ना 1 घंटा लगा है अपने को, सिर्फ 200 मीटर चलने में 1 घंटा लगा है, तो सोचो यार कितना भयानक वाला जाम होगा। बट फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं, कार भी अपन लोग पार्किंग में लगा दिए हैं,
ये देख सकते हो अपना कार पार्किंग है, प्लस इधर सारा कुछ सब लोग का कार पार्किंग है, प्लस भाई देख सकते हो सूर्य भगवान को, तो मतलब 7 बजने को है, 6:45 से ऊपर हो रखा है। सो अभी गाइज बिना लेट किए अपन लोग जल्दी से चलते हैं घाट पे चलते हैं, लाइक हड़की पौड़ी घाट पे जाते हैं और फिर वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है ना। फिर नहाएंगे, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर एक नया टूर पे निकलेंगे। तो अभी चलते हैं पहले, फिर आपको हड़की पौड़ी का घाट दिखाते हैं, उसके बाद स्नान करेंगे। सो अभी अपन लोग जा रहे हैं डायरेक्ट घाट की तरफ। तो ये देख रहे हो भाई कितना भयानक वाला पार्किंग, प्लस सूर्य भगवान को देखो यार कितना टाइम हो गया भाई, मतलब प्लस ये देखो सारा सामान खुल चुका, हर कुछ बिकने वाला, खाने पीने वाला, प्लस आज का भीड़ देखो, इधर ही इतना भीड़ है, जिधर जो भी घाट स्टार्ट होता था ना नहाने वाला, उधर ही सारे लोग नहा रहे थे अपना कार पार्किंग करके। लेकिन हमें तो यार हरकी पौड़ी घाट ही आनी थी, यहाँ पे ये स्नान करनी है, इसी कारण से अपन लोग यहीं पे आए। प्लस ये देखो टोपी, ये सब सारा कुछ मिल रहा, प्रसाद लेने के, गंगा जल लेने के लिए डब्बा, प्लस प्रसाद उधर, और सौम्या तो आ ही रही है, प्लस प्रसाद इधर, और भी देखो यार इधर भी इतना भीड़, मतलब नहीं मानो तो करोड़ों का भीड़ है भाई आज आज के दिन। रहना भी चाहिए यार, मतलब साल में एक बार आता है ना ये प्रसाद बाला, ये सब ये देख लो साल में एक बार आता है ना, तो जरूरी है भाई। और फिर ये देखो सारा प्रसाद, ये सब सारा जगह प्रसाद ही प्रसाद मिल रहा है भाई। ये देखो एंट्री गेट हड़की पौड़ी का, ये देखो ये एंट्री यहाँ से, और काफी सारे लोग अभी जा रहे हैं नहा धो के, मस्त वाला फ्रूट्स। ओ भाई उधर के साइड देखो यार, ये देखो यहीं पे भीड़ देख लो ना, उधर के साइड तो बहुत ही गंदा वाला भीड़ है, नीचे साइड से देखो बीच बीच गैपिंग से दिख रहा, बट मैं आपको ना ऊपर जाके दिखाता हूँ, बहुत भयानक वाला भीड़ है यार आज तो। ये देखो प्रसाद इधर भी है, प्लस मंदिर कुछ ऐसे ही है, कौन सा मंदिर है भाई, लाइटनिंग वाला मंदिर, वुडन से भाई मतलब वुड का बनाया हुआ है, प्लस और भी देखो यार भीड़ तो बहुत ही भयानक है यार। ये देख रहा इधर का रस देखो यार, मतलब चेक करो कितना भयानक भीड़ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भीड़, देखो भाई भीड़ कैसा है, मतलब इधर से दिख रहा है कितना भयानक वाला भीड़ है, ये देखो इसे बोलते हैं ना असली वाला भीड़, मतलब आज का नजारा देख रहे हो कितना भयानक वाला भीड़ वाला नजारा। प्लस इधर से भी रोड बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्रॉसिंग कर रहे हैं उस तरफ, और भाई मतलब भीड़ तो भाई बहुत भर भर के पड़ा है, भीड़ इतना ज्यादा भीड़ हो चुका है आज। प्लस इधर देखो इधर की साइड भी वही भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है। तो अभी अपन लोग जल्दी से चलते हैं, बस कोशिश करते जल्दी अपन लोग जाएंगे। ओ भाई इधर देखो यार इधर का भीड़ भाई, इतने सारे लोग, मतलब सोचो यार आज का तो नजारा ही कुछ अलग है, बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, प्लस अभी और इतने सारे हैं, प्लस और आने वाले हैं भाई, मतलब भीड़ तो बहुत ही ज्यादा है यार, बहुत ही ज्यादा। लेकिन एक बात है भाई, नजारा देख रहे हो सुबह का भाई, सूरज भगवान प्लस काफी मस्त वाला कॉम्बिनेशन वाला मस्त वाला नजारा आ रहा अभी, ऊपर के साइड इतना अच्छा लाइटनिंग है ना, अपन लोग सवेरे आ जाते ना और पहले, तो उस टाइम इतना अच्छा वाला फीलिंग्स नहीं आता जितना अच्छा अभी वाला फीलिंग्स आ रहा है। प्लस सूर्य पर सूर्यदेव भगवान जी अभी बोले एकदम लाल, एकदम अच्छे लग रहा है देखने में, और इधर का नजारा भी काफी अच्छा लग रहा है भाई, कितना भयानक वाला भीड़ है दिख रहा, देख रहे हो थोड़ा सा भी जगह नहीं है नहाने का, मतलब कोई और लोग, इतना भयानक भीड़ है। उधर के साइड देखो ना कितना भयानक भीड़ है, इतना तो बहुत सारे लोग खो भी रहे हैं, बहुत सारा अनाउंसमेंट हो रही है कि जो जो खो चुके नाम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और भाई भीड़ तो मतलब काफी भयानक वाला। मैं ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे हरिद्वार में हरकी पौड़ी में फर्स्ट टाइम इतना भयानक वाला भीड़ देखा है मैंने, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था इतना भयानक वाला भीड़। प्लस ये देखो इधर तो भाई हम लोगों ने तो जगह देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कम भीड़ है इसलिए इधर ही अपन लोग स्नान करेंगे, और इधर देखो मतलब फिर भी यार बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कम है, तो यहीं पे अपन लोग स्नान करेंगे। और ये देख रहे हो इधर का व्यू भाई, बहुत ही भयानक वाला भीड़ है, और उधर के साइड भी क्रॉसिंग हो रहा उस साइड जा रहा है, प्लस बहुत सारे लोग ना वो फ्लाईओवर से इधर से, वो देखो उधर से चलते हुए जा रहे हैं,
उधर बार को डायरेक्ट एग्जिट करेंगे, प्लस उधर से एंट्री भी ले रहे हैं क्योंकि इधर ज्यादा भीड़ है ना, इसी कारण से डायरेक्ट उधर से घूम के आ रहे बहुत सारे लोग, और फिर उधर से व्यू भी काफी अच्छा आता है। तो अभी यहाँ पे नहाएंगे अपन लोग, उसके बाद पूजा करेंगे और फिर निकलेंगे। अपन लोग स्नान कर लिए, पूजा पाठ कर लिए और अभी अपन लोग इधर से निकल रहे हैं। लाइक अभी भी देख सकते हो कितना भयानक वाला भीड़ है, इधर के साइड से भी उस तरफ जाते हैं और इधर के साइड तो नीचे यार अभी काफी सारे लोग स्नान कर ही रहे हैं। प्लस वो देख रहे तीर धनुष भाई सिंबल मस्त है, प्लस ऊपर सूर्य भगवान है जस्ट ऊपर में ही है। सो अभी अपन लोग नहा लिए, पूजा पाठ कर लिए और अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लाइक आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आगे का कुछ और भी प्लान है, तो भी प्लान को अपने को तैयार करना है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो वो वाली प्लान के बारे में आपको बताते हैं। तो अभी बस अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो कितना भी टाइम हो रहा है ना भाई, भीड़ तो कम ही नहीं रहा। इधर देख लो कितना भयानक वाला सीन लग रहा है, देख रहे हो एकदम खतरनाक वाला सीन आ रहा है भाई। सो देख रहे हो मेरे पीछे साइड भाई कितना सारा भीड़ है, ये देख रहे हो कितना भयानक वाला भीड़ है, ये भी देख लो। प्लस इधर तो मतलब लहर भी काफी मस्त वाला, और अपन लोग मस्त वाला इधर से नहा के जा रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्यारा सा लग रहा है अपने को भी। सो फाइनली गाइस अपन लोग नहा लिए, नहा धो के आगे पूजा पाठ कर लिए, अभी अपन लोग मस्त वाला खाना खाएंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट टूर का जो भी प्लान है ना उसका डिसाइड करेंगे कि अपने को चीज करनी है फिर नहीं करनी है। सो ये जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना उसके बारे में अपन लोग आपको डायरेक्ट वही वीडियो में मिलके आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ना थकान काफ़ी ज़्यादा प्लस भूख लगा हुआ और भी कुछ है, तो डायरेक्ट आपको उस वीडियो में बताएंगे। तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।